एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल बैठक में अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। पीथमपुर क्षेत्र में करीब 31 कॉलोनियां अवैध चिन्हित की गई थी, जिन्हें वैध करने का प्रपोजल नगरपालिका पीथमपुर द्वारा बनाकर शासन स्तर पर भेजा गया था। वहीं शासन द्वारा करीब 18 कॉलोनियों को प्रमाणित कर वैध घोषित किया गया है। शेष बची 17 कॉलोनियों को मास्टर प्लान के चलते हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द इन कॉलोनियों को भी पूर्णतः वैध किया जाएगा। कुछ टेक्निकल कारण और पीथमपुर मास्टर प्लान के चलते अभी इन्हें वैध नहीं किया गया है। जिन कॉलोनियों को वैध किया गया है, जो कॉलोनियां बन गई है उनको भी हम वैध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में यह ऐलान भी किया था कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें वैध किया जाएगा। उसी कड़ी में पीथमपुर की 18 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कॉलोनी अब वैध हो गई है, इसपे क्या कहना चाहिए? हमारी कॉलोनी वैध हो गई है, हमारे को नक्शे पास होंगे इससे कि सरकारी योजना मिलेगी और कम ब्याज में लोन प्राप्त कर सकते हैं। और हम नगर पालिका अध्यक्ष को और पार्षद को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे कॉलोनी को वैध करवाया। आपका नाम? सीमा राठौर जी। बताइए, जो कल 18 कॉलोनियां वैध की गई है, क्या प्रक्रिया और किस तरीके से वैध? मुख्यमंत्री का आदेश था कलेक्टर महोदय को, कलेक्टर महोदय ने सीएमओ साहब को आदेश किया और यहाँ पर छटनी की गई। उसके अंदर टोटल 32 कॉलोनियाँ थी। 32 कॉलोनियों को वैध के लिए कई बार हमने भी नगर पालिका को लिखित रूप से आवेदन दिया था। उसमें आज हमारा जो आवेदन दिया हुआ था वो सफल हुआ है और 32 में से 18 कॉलोनियाँ जो है वो वैध कर दी गई है गवर्नमेंट ने, और बाकी जो बची हुई है उनको भी हमारा प्रयास है कि उनको भी हम जल्दी से जल्दी वैध करवाएं, ताकि वहाँ की जो रहवासी जनता है उनको नगर पालिका से जो भी कार्य है उनके हमको करने में आसानी हो सके। आपका नाम बताओ? मेरा नाम सुरेश पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।